हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डाउटनेट। डाउटनेट की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो टर्म टू की आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और पॉलीनोमियल्स का लेक्चर नंबर वन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बच्चों पढ़ाया था। उस लेक्चर नंबर वन में बच्चों आपने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल पर बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों ही बच्चों एक ही लेक्चर में मैंने कवर करवाया है। तो आई होप आप सभी लोग जाकर के, अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर वन को नहीं देखा है तो पहले जाकर के लेक्चर नंबर वन को जरूर से देख लीजिएगा, उसके बाद आपको लेक्चर नंबर टू और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा आने वाला है। बस डेली आप लोग क्लास को देखते जाओ, क्योंकि आज की क्लास आप लोग, इसके बाद कल मैं आपसे मिलूंगा लाइव, जिसमें हम आपके करेंगे आपका नॉलेज टेस्ट। तो बच्चों बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लेक्चर नंबर वन और टू में जो भी मैंने पढ़ाऊंगा ना आपको, वो सब आपको नॉलेज टेस्ट में आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपको आंसर करना पड़ेगा। तो सारे बच्चे रेडी हैं तो जल्दी से एक बार रेडी हो जाइए और कमेंट बॉक्स में यस सर लिख करके बता दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ जी सारे बच्चे रेडी हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे जल्दी 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 क्लास को ज्वाइन करते जाइए। तो टर्म वन जैसा भी गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टर्म टू में हमें और भी अच्छी सी मेहनत करनी है। ठीक है बच्चों, आप लोग के स्कूल्स में एग्जाम हो चुके होंगे, टर्म वन के पेपर में जो भी चैप्टर्स आ चुके हैं वो टर्म टू में नहीं आएंगे। तो यहां पर मैंने टर्म टू के चैप्टर से स्टार्ट किया, जो कि आपका पहला चैप्टर है पॉलीनोमियल्स टर्म टू के अकॉर्डिंग, अगर मैं बात करूं। ठीक है बच्चों, तो रेडी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th में भी आपका पॉलीनोमियल सेकंड चैप्टर है। जो भी कॉन्सेप्ट आप यहां पर पढ़ोगे ना, वो सब आपको वहां पर यूज में आने वाले हैं। तो रेडी है बच्चों, तो जल्दी से सारे बच्चे रेडी हो तो एक बार क्लास को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी क्लास को। चलिए चैप्टर प्रोग्रेस पर बच्चों अगर हम बात करें तो पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल, उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और बच्चों फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल, ये टॉपिक है जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर वन में, जो कल का लेक्चर था बच्चों, उसमें आपको डिस्कस किया है। सभी पर बेस्ड क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने प्रीवियस क्लास में आपके डिस्कस किए थे, तो जरूर से देख लीजिएगा। आज बच्चों अगर मैं बात करूं तो बेसिकली फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल में क्यूबिक पॉलीनोमियल का फैक्टराइजेशन आपका रह गया था। क्यूबिक पॉलीनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं ये अभी रह गया है, तो ये आज के इस लेक्चर में बताऊंगा। उसके बाद बच्चों अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो आपकी हैं, इन सभी आइडेंटिटीज को यूज करना है, कैसे हमें यूज करना है, सारी की सारी अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, 9 to 10 आपके पास अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, वो सारी की सारी आइडेंटिटीज बच्चों आज के इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा और उन सभी को आपको एक कॉपी पेन पर नोट भी कर लेना है। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बेहतरीन, सभी बच्चे रेडी हैं, बहुत ही बढ़िया। तो क्लास को एक बार लाइक जरूर से कर देना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर से कर देना बच्चों। चलिए तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये आपके पास से क्यूबिक पॉलीनोमियल गिवन है, एक्स क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20। ठीक है बच्चों, इस क्यूबिक पॉलीनोमियल्स को हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है बच्चों, क्यूबिक पॉलीनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है। बहुत सारे बच्चों को क्यूबिक पॉलीनोमियल्स के फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन बच्चों मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है बच्चों, पूरा फोकस के साथ में आपको इस चीज को समझना है। ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलीनोमियल है, क्यूबिक पॉलीनोमियल का एक फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना पड़ता है। क्या अप्लाई करना पड़ता है बच्चों? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे कि 20 है, 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, 20 के फैक्टर्स होंगे आपके, अगर मैं बात करूं 1 -1 2, ठीक है, -2, ये सब 20 के फैक्टर्स हैं बच्चों। ठीक है, आपको करना क्या, एक सिंपल सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूं कि कभी भी क्यूबिक पॉलीनोमियल्स का फैक्टराइजेशन आपको करने के लिए आए तो आपको एक काम करना है बच्चों, कि कुछ रैंडम वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं जिसको आपको अपने पॉलीनोमियल में रख करके चेक करना है, क्या पॉलीनोमियल की वैल्यू उस रियल नंबर पर, उस पॉइंट पर जीरो आ रही है। वो पॉइंट क्या है बच्चों? बहुत सिंपल सा है, आप लोग इतना अगर कर लोगे तो आपके लिए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप कहीं पर नहीं रुकने वाले। क्या करना है बच्चों, कुछ वैल्यूज है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स इक्वल टू वन अपने पॉलीनोमियल में रखा। आपको मालूम है कि अगर मैं x इक्वल टू वन पॉलीनोमियल में रखूंगा तो प्लस 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 सभी प्लस में है, तो जो सम आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा, मतलब कि जीरो के इक्वल नहीं आएगा। फिर भी एक बार को रख करके हम लिख देते हैं क्या आ रहा है, तो 1 cube प्लस में 13 प्लस में 32 प्लस में आपके पास 20, दिस विल बी इक्वल टू 13 + 1 = 14 और 14 और 32, तो 14 ऐड कर दिया तो बन गया हमारे पास 36 और 36 में हमने 10 ऐड कर दिया तो 46। ठीक है बच्चों, 46 + 20 आपके पास
आई थिंक यहाँ से कितना आ गया, 46 प्लस 20 आपके पास 66 आ गया, क्लियर है। तो बेसिकली नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर नॉन जीरो आ रहा है तो कुछ भी नहीं। अब x इक्वल टू बच्चों मैंने माइनस वन रख करके चेक किया, ये कुछ रैंडम वैल्यूज है जिनको रख करके आपको अपने पॉलिनोमियल में रख करके चेक करना है। थोड़ा सा ये प्रोसेस फास्ट करनी है ताकि आपको टाइम कम लगे इसमें। x इक्वल टू माइनस वन, देखिए x इक्वल टू वन आप नहीं भी रखते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। पूछिए क्यों, क्योंकि आपको इतना मालूम है कि भाई यहां पर आप देख पा रहे हो कि भाई x इक्वल टू वन रखेंगे सब कुछ सब पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव का सम कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू वन हम नहीं भी रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से समझ में आती है कि भाई x इक्वल टू वन रखना है कि नहीं रखना है। यहां पर देख सकते हो सब पॉजिटिव है तो कभी भी जीरो नहीं होगा। x इक्वल टू माइनस वन रखते हैं बच्चों यहां पर, तो माइनस वन टू दी पावर थ्री आएगा, 13 इंटू में माइनस वन टू दी पावर टू आएगा, प्लस में 32 इंटू में माइनस वन, प्लस में 20, दिस विल बी इक्वल टू 13 एंड वन हमारे पास आएगा बच्चों कितना, ये बनेगा हमारे पास प्लस का 12 माइनस का 32 प्लस में 20, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 20 प्लस 20 इक्वल टू जीरो। वाह, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि p ऑफ माइनस वन, अगर ये पॉलिनोमियल को बच्चों मैं बोल दूं कि पॉलिनोमियल आपके पास px है तो ये p ऑफ माइनस वन बच्चों हमको जीरो आ रहा है। दिस विल इंप्लाइज दैट x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। px पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, क्लियर है बच्चों। x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, x प्लस वन पॉलिनोमियल px का आपका एक फैक्टर हो गया। अब जैसे ही x प्लस वन पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर है तो नेक्स्ट में बच्चों हम क्या करेंगे, हम अपने px पॉलिनोमियल को x प्लस वन से डिवाइड करेंगे। तो अगले स्टेप पे बच्चों क्या करना है, x प्लस वन पॉलिनोमियल को नीचे बेसिकली जगह नहीं बचेगी तो मैं अलग पेज में डिवाइड कर रहा हूं। तो x प्लस वन से बच्चों अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करो। पहला स्टेप समझ में आया ना, पहला स्टेप बच्चों है आपका हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में आपके पास कुछ वैल्यूज हैं x इक्वल टू वन, x इक्वल टू माइनस वन, x इक्वल टू टू और x इक्वल टू माइनस टू। इन वैल्यूज में से आपको आपका एक फैक्टर जरूर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इतनी बस आपको कर लेना है, इससे ज्यादा परेशान नहीं होना है क्योंकि अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन आते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो x इक्वल टू माइनस वन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो, इसका मतलब है कि x प्लस वन को हम एक फैक्टर बोलेंगे पॉलिनोमियल का, ठीक है। x इक्वल टू माइनस वन रखने पर जीरो आया ना, तो x प्लस वन को हम फैक्टर बोलेंगे, क्लियर बेटा। चलिए x प्लस वन को डिवाइड, x प्लस वन से डिवाइड करते हैं, x क्यूब प्लस में आपके पास 13x स्क्वायर प्लस में आपके पास 32 टाइम्स x एंड प्लस में आपके पास 20। चलिए डिवाइड करते हैं बच्चों, तो x स्क्वायर सबसे पहले बच्चों क्या किया, अब आपको डिवीजन तो आ गया है ना, हमने कल भी आपको बताया था डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है बच्चों। तो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। देखो बच्चों, x क्यूब है तो x क्यूब को x से डिवाइड किया तो x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर से पूरे डिवाइजर में मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा x क्यूब प्लस में x स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों तो यहां पर माइनस, ये आपका माइनस, तो यहां से आएगा 12x स्क्वायर प्लस में 32 प्लस में 32x आएगा, कितना आएगा बच्चों प्लस में आपके पास यहां पर 32x निकल करके आएगा, बहुत ही बढ़िया, क्लियर है। अब बच्चों यहां पर प्लस में 12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 12x स्क्वायर, फिर बच्चों यहां पर आएगा 12x, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये बच्चे बच्चों बचेगा यहां पर आपके पास 20x और आपके पास प्लस में 20। अब यहां पर बच्चों प्लस में 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 20x प्लस में आपके पास 20 माइनस माइनस, रिमाइंडर आ गया जीरो। ऑब्वियस सी बात है कि रिमाइंडर तो जीरो आना ही था, रिमाइंडर तो हमको जीरो आना ही था, लेकिन इधर से एक चीज निकल के आ गई बच्चों, वो क्या आ गई ध्यान समझिएगा कि ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास ये है ना आपका x क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x प्लस वन हमारा फैक्टर है तो ये आपका डिवाइजर हुआ तो x प्लस वन हो गया, इंटू में आपके पास कोशंट क्या निकल के आया, देखिएगा कोशंट आया बच्चों आपके पास एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस में आपके पास 20। चलिए तो एक फैक्टर तो ऑलरेडी आ गया, दूसरे के फैक्टर और कर लेते हैं। तो दूसरे के फैक्टर अगर आप करोगे तो ये x प्लस वन एज इट इज रहेगा, यहां पर अगर आप देखिए तो 20 प्रोडक्ट में चाहिए और प्लस करें तो 12 आए, तो 10 टू जा 20 ले सकते हैं, तो यहां पर हम ले सकते हैं आपके पास x स्क्वायर प्लस में आपके पास 10x प्लस में आपके पास 2x प्लस में 20। तो बेसिकली बच्चों x प्लस वन और फैक्टर क्या आ जाएंगे, x प्लस में 10 आ जाएगा और दूसरा फैक्टर आ जाएगा बच्चों आपके पास x प्लस में 2। तो ये बेसिकली हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन आ गए, ठीक है बच्चों। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के तीन फैक्टर आ गए, x प्लस वन,
एक्स प्लस टेन एंड एक्स प्लस टू, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के तीनों फैक्टर हमको निकल करके आ गए। क्लियर है बच्चों? जल्दी से अगर समझ में आ गया तो एक बार आपको क्लास को लाइक जरूर से कर देना है, ठीक है बच्चों? तो सिंपल सा था, केवल और केवल यहां पर हिट एंड ट्रायल की हेल्प से आपको एक फैक्टर ढूंढना है, वो कोई लॉजिक से नहीं आएगा, आपको उसे ढूंढना है। वो ढूंढा कैसे आपने? x इक्वल टू वन माइनस वन रख करके चेक कर लो, माइनस वन रख करके चेक किया, आगे आपके पास इसका मतलब एक फैक्टर x प्लस वन होगा। अब उस फैक्टर से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो तो कोशेंट की वैल्यू आ जाएगी जो दूसरा फैक्टर होगा। अब इस फैक्टर की भी फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो अगेन इसके दो फैक्टर, तो ये हमारे पास तीन लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो गया, यही हमारे पास पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर है बच्चों? आ गया समझ में? बस जल्दी से कॉन्सेप्ट को नोट करते जाइए और इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी जरूर से करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरी बात मान लो, कोई भी टीचर आपको पढ़ा करके चला जाए, आपको कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन बना रहेगा, क्योंकि भाई जरूरी है मैथमेटिक्स में, खास करके जरूरी है कि आप साथ के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करिए। तो एक सवाल मैंने लगाया है आपका, आपकी बुक में ऐसे न जाने कितने सारे सवाल हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करें, आप देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है बच्चों? चलिए, आई होप सब कुछ समझ में आ गया है, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों हम अपने इस क्लास के नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, जो कि आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये है बच्चों आपका, अगर मैं बात करूं तो पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर का जो सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन पढ़ा बच्चों। अब बारी है आपके पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की, ठीक है बच्चों? किसकी बारी है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की। ये बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ आइडेंटिटीज आप लोग प्रीवियस क्लास में, मतलब कि एट्थ स्टैंडर्ड में आपको बताई गई थी, वो आइडेंटिटीज के साथ में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे और आगे पर नई नई आइडेंटिटीज भी बच्चों हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि ये बेसिक आइडेंटिटी सबको लर्न होनी चाहिए, सबको लर्न भी होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी बच्चों आपने पढ़ी है कि x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर के बराबर होता है। थर्ड आइडेंटिटी जो आपने बच्चों पढ़ी है वो है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। दीज थ्री आर द मोर बेसिक, अगर मैं बात करूं सबसे बेसिक आइडेंटिटीज में से एक है। उसके अलावा ये आप जनरली यूज करते हो प्रोडक्ट के लिए कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। ये बेसिकली आप जनरली आप इसको भी यूज करते हैं। तो ये बच्चों बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये फोर वो बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ी है क्लास एट्थ स्टैंडर्ड, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? जिन भी बच्चों ने पढ़ी है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि हाँ जी सर मैंने पढ़ी है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो भी मुझे बताइए कि सर क्यों नहीं पढ़ी, भाई क्या रीजन था, क्योंकि एट्थ स्टैंडर्ड में सारी की सारी थी, ठीक है बच्चों? तो ये फोर मोर बेसिक आइडेंटिटीज है। अब इसके बाद आगे पर कुछ और आइडेंटिटीज आएंगे जो नई होंगी आपके लिए। आइए बच्चों, तो सबसे पहले इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब बच्चों आपको इसको क्या करना है कि हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब कि कुल मिलाकर के आइडेंटिटीज का यूज करके हमें इनको फैक्टराइज करना है। क्या करना है बच्चों? फैक्टराइज करना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, जैसे कि 49 ए स्क्वायर प्लस में 70 टाइम्स ए बी प्लस में 25 बी स्क्वायर। तो तुरंत माइंड में आना चाहिए बच्चों कि यहां पर पावर क्या है? 2 है, हर एक टर्म की पावर 2 है। तो जो आइडेंटिटीज हम यूज करने वाले उसकी इंडेक्स यानी उसकी पावर 2 होनी चाहिए। ओके, यहां पर 3 टर्म आ रहे हैं बच्चों, तो दिमाग में क्या आ रहा है? 3 टर्म है, इसका मतलब कि या तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर, दो में से कोई एक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बच्चों, सब कुछ प्लस में है तो आपके माइंड में आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर काम करेगा। तो अब इसको हम अगर स्क्वायर में ब्रेक करें तो हम लिखेंगे 7 इंटू में a का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है बच्चों? इसको हम लिखेंगे आपके पास क्या, देखिएगा अपने आप बनेगा 5 इंटू में b का होल स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर के टर्म में ब्रेक कर दिया। अब मिडिल टर्म क्या होगा? 2 इंटू में 7 a इंटू में 5 b। मिडिल टर्म अपने आप ही आपको स्प्लिट होता हुआ नजर आ जाएगा। तो जैसे ही ये हुआ तो आपको नजर आ गया कि ये हमारे पास है 7 a प्लस में 5 b का होल स्क्वायर, और फैक्टर्स के फॉर्म पर आप इसको लिख सकते हो ऐसे कि 7 a प्लस में 5 b इंटू में आप लिख सकते हो 7 a प्लस में आपके पास 5 b। क्लियर है बच्चों? 7 a प्लस में 5 b इंटू में 7 a प्लस में 5 b, ठीक है? चलिए ये निकल के आ गया, ठीक है ये निकल के आ गया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इसमें क्या दिख रहा है, 25 बाई 4 एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बाई 9, दो टर्म है,
एक्स स्क्वायर टर्म माइनस का वाई स्क्वायर के टर्म, तुरंत आपके माइंड में सेकेंड थर्ड वाली आपकी आइडेंटिटी आएगी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई। तो यहां पर अगर देखें बच्चों तो ये बनेगा आपके पास 5/2 एक्स का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस में वाई बाई थ्री का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली बनेगा 5/2 एक्स प्लस में आपके पास वाई बाई थ्री और दूसरा बनेगा आपके पास 5/2 एक्स माइनस में आपके पास वाई बाई थ्री। ठीक है बच्चों, तो 5/2 एक्स प्लस में वाई बाई थ्री इंटू में 5/2 एक्स माइनस में वाई बाई थ्री। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये बेसिकली बच्चों हमारे पास इसके फैक्टराइजेशन आ गए। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आपकी जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं उन्हीं को हम यहां पर यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आइडेंटिटीज का बच्चों आपको यूज करना है। क्लियर है? समझ में आ गया? जल्दी से बताइए बच्चों, अगर समझ में आ गया है तो एक बार लाइक बटन पर प्रेस जरूर से कर देना है और डाउटनेट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। सीबीएसई 910 का चैनल आपके लिए ही बनाया है ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से अपने मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की और हिंदी की सभी क्लासेस को कर सकें और टर्म टू में जबरदस्त मार्क्स लेकर के आ सके। बट सब कुछ जो किया जा रहा है आपके लिए किया जा रहा है, तो आप जरूर से क्लास को लाइक जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट में बच्चों फिफ्थ आइडेंटिटी पर आते हैं। चार आइडेंटिटी बच्चों हमने पढ़ ली, फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, थ्री टर्म आ गए, उस थ्री टर्म का स्क्वायर क्या बनता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy 2yz प्लस में 2zx। ये बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। 2 को कॉमन अगर आप ले लेते हो तो लिख सकते हो एक्स वाई प्लस में वाई जेड और प्लस में आप यहां पर जेड एक्स भी लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए ये आपके पास फिफ्थ आइडेंटिटी है बच्चों। अब इस आइडेंटिटी पर बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो आइडेंटिटी अच्छे से लर्न कर लो, पहले तो सभी बच्चे इस आइडेंटिटी को बढ़िया तरीके से लर्न कर लीजिए और इसके आगे पर स्टार लगा लो बेटा, क्योंकि ये सुपर स्टार आइडेंटिटी है। ये क्या है? सुपर स्टार आइडेंटिटी। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपको। ठीक है बच्चों, नोट करिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, सॉन्ग के साथ में याद करो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx। ऐसे बिल्कुल प्रोनंसिएशन के साथ याद रखो, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है बच्चों, लर्न करो मेरे साथ में, लर्न करो जल्दी से मेरे साथ में, लर्न करो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy 2yz 2zx प्लस 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 प्लस। चलिए क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से साथ में आपको मेरे लर्न करना है। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब इस आइडेंटिटी का यूज कैसे करना है। जैसे कि एक तो पहले तो सिंपल सा एक्सपेंशन है, ये तो बहुत ही सिंपल है, एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड का होल ऑफ स्क्वायर आपसे पूछ लिया, तो आप क्या लिखोगे, आप करोगे एक्स स्क्वायर प्लस में टू वाई का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में फोर टाइम्स जेड का होल स्क्वायर प्लस में टू टाइम्स एक्स इंटू में आपके पास टू वाई प्लस में टू टाइम्स 2y इंटू में आपके पास 4z और प्लस में अगर मैं बात करूं 2 टाइम्स 2y इंटू में आपके पास 4z। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अच्छा सॉरी, उल्टा लिख गया ना यहां पर, एक सेकेंड रुक जाइए, अभी पेन पकड़ के लाता हूं मैं। देखिए बच्चों, इरेज करता हूं, यहां पर आएगा आपके पास 4z इंटू में x। क्या आएगा बेटा? 4z इंटू में x। चलो कर देते हैं सॉल्व, तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में आपके पास 4 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस में 16 टाइम्स जेड स्क्वायर प्लस में 2 जा 4 टाइम्स एक्स इंटू वाई। ठीक है बच्चों, प्लस में 2 जा 4 4 जा 16 वाई इंटू जेड और प्लस में 4 जेड एक्स है ना, तो 4 2 जा 8 जेड एक्स आ जाएगा, प्लस में हमारे पास 8 जेड एक्स। ये तो बेसिकली बच्चों हमने केवल केवल इसका एक्सपेंशन कर दिया, लेकिन इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये तो कि बेसिकली हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है चलो, आपको लर्न क्या करना है, 2 इंटू में फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड इंटू थर्ड, थर्ड इंटू फर्स्ट। ठीक है बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है हमारे पास, टर्म्स है, तो 2 इंटू में फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड इंटू थर्ड, थर्ड इंटू फर्स्ट और सबको ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया, क्लियर है, ये हमारे पास निकल करके आ गया। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसका एक्सपेंशन खुद करना। ठीक है बच्चों, एक दो क्वेश्चन होमवर्क का साथ के साथ दे रहा हूं, उसको एक्सपेंशन खुद करना। -2x + 5y माइनस में 3z का स्क्वायर, आप क्या करोगे, आपको लॉजिक बता रहा हूं आपको क्या करना है। आप कहोगे सर आपने प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था सब कुछ प्लस में होता है, यहां पर माइनस में, मैं कहता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे करो कि माइनस में 2x है, ठीक है बच्चों, प्लस में आपके पास 5y है
और प्लस में आपके पास माइनस में 3z है, ठीक है बच्चों, और इस पूरे का आप स्क्वायर ओपन कर रहे हो। इसको बिल्कुल अलग अलग टर्म लेकर के चलो, क्या लेकर के चलो, अलग अलग टर्म लेकर के चलो, और अलग अलग टर्म लेकर के चलना और इसका एक्सपेंशन लिख करके लेकर के आना, ठीक है बच्चों, अलग अलग टर्म लेकर के चलो, एक्सपेंशन लेकर के, कमेंट बॉक्स में आपको इसका एक्सपेंशन लिख करके मुझे बताना है, ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में आपको इसका एक्सपेंशन लिख करके मुझे बताना है, क्लियर है बच्चों। चलिए तो बताइए कि सभी बच्चे सॉल्व करके इसको, अब नेक्स्ट में आते हैं बच्चों। अब देखिए एक्सपेंशन गिवन होगा, उसको हमें फैक्टर के फॉर्म पर लिखना है, जैसे कि यहां पर लिखा फैक्टराइज 4x² प्लस में 9y² प्लस में 16z² प्लस में 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz। अब यहां पर आता है कंफ्यूजन कि सर यहां पर माइनस का भी साइन है, क्या फैक्टर्स बनेंगे? तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, पहली बात तो दिमाग में तुरंत देखते आना चाहिए कि भाई थ्री टर्म्स है एक्स वाई जेड और पावर है स्क्वायर की, तो दिमाग में फॉर्मूला अपने आप ब्रेक हो जाना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर ही यहां पर एक्सपेंड बनेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब उसके बाद दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो ये आइडेंटिफाई किया कि कौन सी आइडेंटिटी का एक्सपेंशन है, वो हमने आइडेंटिटी आपकी आइडेंटिफाई कर ली, क्लियर है बच्चों। अब दूसरा स्टेप बोलता है कि यहां पर आप देखिए जो भी निगेटिव टर्म्स है, निगेटिव टर्म्स कौन कौन से है, माइनस का 24yz माइनस का 16xz, दोनों ही निगेटिव टर्म में जो कॉमन वेरिएबल है, कॉमन वेरिएबल क्या है, इसमें भी जेड है इसमें भी जेड है, तो जो जेड होगा जेड के कॉफिशियंट को हम निगेटिव लेंगे, क्या लेंगे बेटा, जेड के कॉफिशियंट को हम निगेटिव लेंगे और बाकी सब एज इट इज रहेगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जेड के कॉफिशियंट को हम क्या लेंगे बेटा, निगेटिव लेंगे, क्लियर है, समझ में आया कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखते हैं, 4x² को लिखेंगे 2x का होल ऑफ स्क्वायर, 9y² को लिखेंगे 3y का होल ऑफ स्क्वायर, अब देखना 16z² को लिखेंगे माइनस में 4z का होल ऑफ स्क्वायर। मैंने बोला ना कि दो नेगेटिव टर्म है, उनमें से देखिए कि कौन सा वेरिएबल कॉमन है, आपकी नजर पड़ी जेड पर, तो जेड को, जेड के कॉफिशियंट को निगेटिव ले लेना, तो मैंने क्या कर दिया 16z² को माइनस के 4z का होल ऑफ स्क्वायर, एक्सपेंड करोगे तो प्लस का ही आएगा। अब देखिए प्लस में 2 में फर्स्ट 2 टर्म का प्रोडक्ट, यानी कि 2 में 2x * में आपके पास 3y, फिर बच्चों प्लस में 2 में सेकंड 2 टर्म का प्रोडक्ट, यानी कि 2 में आपके पास 3y और * में माइनस का 4z, और प्लस में 2 में आपके पास थर्ड और फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट, यानी कि 2x * में आपके पास माइनस का 4z। देख पा रहे बच्चों, बिल्कुल विद साइन हमने ब्रेक कर दिया सबको, विद साइन बच्चों हमने सबको ब्रेक कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2x प्लस में 3y माइनस में 4z का होल स्क्वायर, ये बच्चों हमारा आंसर आ गया, क्लियर है बच्चों। फैक्टर के फॉर्म पर चाहो तो इसको दो बार लिख दो, 2x प्लस 3y माइनस में 4z * में आपके पास 2x प्लस में 3y माइनस में 4z, आप चाहो तो ऐसे फैक्टर्स के फॉर्म पर भी लिख सकते हो, क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए, समझ में आया, बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन था, बिल्कुल काफी सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, तो इस गलती को ठीक करने का सही तरीका क्या है, गलती से बचने का सही तरीका यह है कि पहले तो आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करो कि कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, वो आइडेंटिटी को ढूंढ लिया, उसके बाद देखा कि भाई यहां पर दो निगेटिव टर्म्स है, दोनों निगेटिव टर्म में कॉमन क्या है, आपकी नजर पड़ी अच्छा माइनस का जेड, तो दोनों में जेड वेरिएबल कॉमन है और जेड कॉमन है तो हमने जेड के कॉफिशियंट को निगेटिव ले लिया, फिर बस एज इट इज ओपन कर दिया, हमारे पास निकल के आ गया, क्लियर है बच्चों, आगे समझ में, जल्दी से अगर समझ में आ गया है तो एक बार लाइक बटन पर प्रेस जरूर से कर देना, अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, चलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, नोट करते चलिए आगे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, फैक्टराइज 4x² प्लस 5x² प्लस z² माइनस में 4xy माइनस का 2yz प्लस का 4xz, एक क्वेश्चन के साथ और प्रैक्टिस करते हैं, मुझे मालूम है कि एक क्वेश्चन में अभी भी डाउट रहता है, अभी भी कंफ्यूजन रहता है, तो दूसरे क्वेश्चन के साथ एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए वापस से मेरी नजर पड़ी एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, x की पावर 2 है, मतलब कि a प्लस b प्लस c का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, अब दूसरा स्टेप आएगा कि निगेटिव टर्म कौन सा ले, तो हमने देखा कि भाई माइनस का 4xy माइनस का 2yz, इनमें कॉमन वेरिएबल है आपका y, तो y के कॉफिशियंट को हम निगेटिव लेंगे, क्या लेंगे बेटा, y के कॉफिशियंट को निगेटिव लेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 2 टाइम्स x का होल स्क्वायर प्लस में माइनस y का होल स्क्वायर प्लस में आपके पास z स्क्वायर और प्लस में 2 * में आपके पास 2x
2x इनटू में आपके पास माइनस में y और प्लस में 2 इनटू में आपके पास माइनस का y इनटू में आपके पास z और प्लस में 2 इनटू में आपके पास z इनटू में आपके पास 2x, यही बनेगा बच्चों, देख सकते हो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। तो ये बेसिकली बन गया 2x माइनस y प्लस में z का होल स्क्वायर। क्या बन गया? 2x माइनस y प्लस में z का होल स्क्वायर बन गया बच्चों। एक लाइन पर आंसर आएगा, एक लाइन में पूरा आंसर निकल करके आएगा, एक से दूसरी लाइन पर नहीं बढ़ोगे, एक लाइन पर पूरा आंसर निकल करके आ रहा है, ठीक है। चलिए, हो गया बच्चों, समझ में आ गया बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, चलिए बहुत ही शानदार। आगे पर बढ़ते हैं बच्चों, अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। मुझको बहुत फेवरेट है ये वाला पार्ट, ये वाला आइडेंटिटी मेरी वन ऑफ द फेवरेट आइडेंटिटी है, क्योंकि इस पर बेस्ड मैंने देखा है कि क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी जगह जगह पर इससे क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है बच्चों। ये वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ये होमवर्क के फॉर्म पर दे रहा हूं, ठीक है बच्चा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के फॉर्म पर दे रहा हूं, ट्राई करना है आपको, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। बेसिकली यहां पर अगर आप देखेंगे तो आइडेंटिटी तो आपने आइडेंटिफाई कर ही ली है कौन सी है। दूसरा अगर आप देखें कि दो नेगेटिव टर्म है यहां पर, एक तो ये वाला एक तो ये वाला, इसमें एक्स आपका कॉमन वेरिएबल है, तो एक्स को हम लेंगे नेगेटिव, तो 2x स्क्वायर बनेगा हमारे पास क्या, माइनस में स्क्वायर रूट 2 इंटू में एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। प्लस में बनेगा आपके पास वाई स्क्वायर, और प्लस में अगर आप देखो तो 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू में जेड का होल स्क्वायर, ये फॉर्म बन गया। अब आगे पर जो भी लिखना है वो आप लोग खुद करेंगे, और आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि क्या बन के आएगा। ये जो आइडेंटिटी बनेगी ये बनेगी माइनस में स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स प्लस में वाई प्लस में 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, ठीक है बच्चों, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 इंटू में जेड का होल स्क्वायर, ये बेसिकली बन के आता है, ठीक है बच्चों, ये बेसिकली हमको बन करके आता है। अब आप लोग इसको बाकी खुद भी कर सकते हो, अच्छे से एलेबोरेट करके आप खुद कर सकते हो बाकी के फैक्टर्स प्रोडक्ट में लिख करके, ठीक है। चलिए करेंगे प्रैक्टिस, चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों मूव करते हैं आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी पर, 6th नंबर की आइडेंटिटी पर आते हैं, ठीक है बच्चों। आइडेंटिटी नंबर 6 आपसे क्या होती है, अभी तक हमने केवल इंडेक्स 2 वाली आइडेंटिटी पर बात करी थी, अब 3D इंडेक्स 3 वाली आइडेंटिटी पर बात करेंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या बनता है बच्चों, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3xy इनटू में x प्लस वाई, एक तो ये है। दूसरा एक तरीका इसको लर्न करने का और भी है, वो ये है कि आप इसको ऐसे भी लर्न करो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस में 3 इनटू में फर्स्ट वाले का स्क्वायर इनटू में y प्लस में 3 इनटू में सेकंड वाला और इनटू में y वाले का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये एक दूसरा तरीका इसको लर्न करने का, जो कि पहले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वाले से ज्यादा यूज में आता है, ठीक है बच्चों, कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस में 3xy स्क्वायर, ठीक है। पहले वाले को स्क्वायर इनटू में y प्लस में पहले वाले को रखा दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये बेसिकली हमारे पास आपका x प्लस y टू द पावर 3 नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है। उसके बाद बच्चों 7th नंबर की आइडेंटिटी आपके पास कौन सी है, देखिएगा, x माइनस y टू द पावर 3 जो होती है वो क्या होती है, x क्यूब माइनस में y क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर y और प्लस में 3xy स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली अगर आप इसको इस फॉर्म पर लिखो तो ऐसे लर्न कर सकते हो, x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस में 3xy इनटू में आपके पास x माइनस y, या फिर बच्चों एक दूसरा तरीका इसको लर्न करने का ये है कि x क्यूब माइनस में y क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर y प्लस में आपके पास 3xy स्क्वायर। तो बच्चों जो दूसरा फॉर्म मैं नीचे पर लिख रहा हूं ये पहले फॉर्म से ज्यादा यूज में आता है, पहले फॉर्म से ज्यादा यूज में आता है, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्म में आपको याद रखना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन के टाइम पर आपको इस फॉर्म में लिखा होगा, इस फॉर्म पर लिखा होगा, जो कि आपको आइडेंटिफाई करना है, क्लियर है बच्चों। जब प्लस में है तो सब कुछ प्लस में होता है, जब माइनस में होता है तो आप देख सकते हैं बीच के दो टर्म निगेटिव होंगे, लास्ट के दो टर्म पॉजिटिव होंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ गया सबको, है ना। आप इस ऑर्डर में याद करो तो बेहतर है, अदरवाइज आगे पर यूज में आएगा, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, आइडेंटिटी नंबर 6 एंड आइडेंटिटी नंबर आपका 7, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया सभी को। चलो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, पहला तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होगा, सिंपल तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो, 3a प्लस में 4b की पावर 3 है, क्या है बच्चों, 3a प्लस में 4b टू द पावर 3 है, तो इसको एक्सपेंड करना है, तो क्या करोगे, सिंपल सा आप लिख दोगे यहां पर कि भाई फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे कि 3a टू द पावर 3 प्लस में 4b टू द पावर 3
प्लस में 3 इंटू में 3a का होल स्क्वायर इंटू में 4b प्लस में 3 इंटू में 3b 3a इंटू में 4b का होल स्क्वायर। चलिए बस ओपन कर देना इस तरीके से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 27a क्यूब प्लस में 64b क्यूब और ये बनेगा 3 3 जा 9 और 12 9 जा कितना बनेगा, एक सेकेंड, 4 3 जा 12 12 9 जा आपका 108, तो प्लस में आएगा 108 ए स्क्वायर इंटू में बी। यहाँ से क्या बनेगा, 3 3 जा 9 16 9 जा 144, तो ये बनेगा हमारे पास कितना 144 ए बी स्क्वायर। ये तुरंत आपने एक्सपेंड कर लिया, ठीक है बच्चों, इस तरीके से एक्सपेंड कर लिया। सिमिलरली सेकेंड वाले का एक्सपेंशन आप खुद करोगे, ठीक है बच्चों, सेकेंड वाले का एक्सपेंशन। एक एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे रहा हूं ताकि टाइम पर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से एक्सपेंड किया, दूसरे में निगेटिव है तो निगेटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप एक्सपेंड कर लोगे, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करते चलो बच्चों, ये पहले का एक्सपेंशन हो गया, दूसरा आप खुद करके लेकर के आएंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख करके सभी बच्चे बताएंगे, आप सभी का आंसर मैं देखूंगा कमेंट बॉक्स में, तो सभी बच्चे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फैक्टराइज 8x^3 27y^3 36x2y + 54xy2। सब कुछ प्लस में है, पावर थ्री में है, मतलब कि x प्लस वाई टू दी पावर थ्री का एक्सपेंशन ओपन कर रहे हैं, तो उसी फॉर्म पर लिखेंगे तो ये बनेगा आपके पास क्या 2x^3 प्लस में 3y^3 आपका 3 प्लस में 3 इंटू में आपके पास 2x का होल स्क्वायर इंटू में 3y और प्लस में 3 इंटू में 2x इंटू में आपके पास 3y का होल स्क्वायर। देख सकते हो बच्चों यही बन गया। चलिए तो ये हमारे पास फैक्टराइज होकर के बन गया आपके पास 2x प्लस में 3y का होल क्यूब, हमारे पास आंसर आ गया, क्लियर है। तुरंत एक लाइन से दूसरी लाइन नहीं लगाएगी, एक लाइन से दूसरी लाइन पर नहीं जाओगे, एक बार में आंसर निकल के आएगा, ठीक है बच्चों। 2x प्लस में 3y^3 हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, जल्दी से नोट करते जाइए, बहुत ही बढ़िया बच्चों, सभी लोग जल्दी से नोट करते जाइए, क्लियर है। सब कुछ प्लस में था तो प्लस की आइडेंटिटी ओपन करेंगे, उसके बाद क्यूब में था तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a^2b + 3ab^2 के फॉर्म पर लाना है, सिंपल। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 27 माइनस में 125 ए टू दी पावर 3 माइनस में 135 ए प्लस में 225 टू इंटू में ए स्क्वायर। अब बच्चों दिमाग लगाइए, यहां पर पावर 3 भी है, ओके, और दूसरी बात यहां पर क्या नजर आ रहा है, माइनस का साइन, तो हम यहां पर दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस मतलब कि ए माइनस बी का होल पावर 3 का, किसका फॉर्मूला, ए माइनस बी होल पावर 3 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये बच्चों क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 3 टू दी पावर 3, ठीक है बच्चों, ठीक है। दूसरा बनेगा हमारे पास 5 इंटू में ए टू दी पावर आपके पास 3, फिर बनेगा माइनस में 3 इंटू में आपके पास 3 स्क्वायर इंटू में आपके पास 5a, ठीक है बच्चों, और फिर प्लस में 3 इंटू में आपके पास 3 इंटू में आपके पास 5a का होल स्क्वायर। ये बनेगा बच्चों, देख सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3a^2b प्लस में 3ab^2, तो बेसिकली ये बन गया हमारे पास क्या बच्चों, ये बन गया हमारे पास 3 माइनस में 5a का होल पावर 3, ये हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है बच्चों, 3 माइनस में 5a का होल पावर 3, ठीक है, 3 3 जा 9 25 9 जा 225, क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चों 3 माइनस में 5a का होल पावर 3 निकल करके आ गया, जल्दी से नोट करते जाइए, बहुत ही सिंपल है बच्चों, एक लाइन से दूसरी लाइन पर आंसर नहीं जाएगा, तुरंत आंसर आएगा, क्लियर है बच्चों। चलिए समझ में आ गया, 3 क्यूब माइनस में 5a^3 माइनस में 3 × 3² इंटू में 5a प्लस में 3 × 3 × 5a का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 5a का होल पावर 3 बच्चों निकल के आ गया, क्लियर है, जल्दी से नोट करते जाइए और आंसर बताते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, अब ये क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म पर दे रहा हूं, अब ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म पर दे रहा हूं, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको खुद भी करनी है, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको खुद भी करनी है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बताएंगे, किसमें लिख करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए लाइव चैट में आंसर नहीं बताना है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है, चलिए हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, परेशान मत हो, चिंता मत करो, सब कुछ होमवर्क के लिए नहीं दूंगा। 27p^3 माइनस में 1/216 माइनस में 9/2p^2 प्लस में 1/4 × p। यहां पर क्या बच्चों, माइनस है, पावर 3 की है, मतलब कि a माइनस b टू दी पावर 3 का एक्सपेंशन ओपन होगा। चलिए तो 27p^3 को हम लिखेंगे 3p^3
क्यूब, ए क्यूब बन गया, माइनस में वन अपॉन, ये क्या बनेगा, वन अपॉन सिक्स टू दी पावर थ्री बन गया, ठीक है बच्चों। फिर बनेगा हमारे पास माइनस में थ्री इंटू में थ्री पी का होल स्क्वायर इंटू में आपके पास वन अपॉन सिक्स, फिर बनेगा प्लस में थ्री इंटू में थ्री पी इंटू में वन अपॉन सिक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यही फॉर्म बनेगा, बिल्कुल देख सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए तो ये बेसिकली हमारे पास बन गया बच्चों, आपके पास क्या, ये बना 3p माइनस में 1 अपॉन 6 की पावर 3 का एक्सपेंशन, किसका बन गया बच्चों, 3p माइनस में 1 अपॉन 6 की होल पावर 3 का एक्सपेंशन निकल करके आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर, जल्दी से बताइए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए बहुत शानदार बच्चों, जबरदस्त तरीके से 3p माइनस में 1 अपॉन 6 होल पावर 3 हमको निकल करके आ गया, क्लियर है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, x अपॉन y प्लस में y अपॉन x की वैल्यू है माइनस वन के बराबर। अब ध्यान से समझिएगा, ये एक्सपेंशन में काफी सारे बच्चे गलती कर देते हैं, देखिएगा बच्चों। अब यहां पर दो और इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन मैं अब आपको बताने वाला हूं, ठीक है बच्चों, दो और इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, अभी आप लोग पेन उठाइए और नोट करिए। सबसे पहले तो क्या, एक एक्सपेंशन बच्चों नोट करिएगा, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, x क्यूब प्लस में y क्यूब है बच्चों अगर, तो इसका एक्सपेंशन होता है x प्लस में y और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस में xy प्लस में y स्क्वायर के बराबर, ठीक है बच्चों। ये एक्सपेंशन नोट करिए, नोट करते चलिए बच्चों, x टू द पावर 3 प्लस में y टू द पावर 3 का जो एक्सपेंशन होता है वो x प्लस y इनटू में x स्क्वायर माइनस xy प्लस में y स्क्वायर के बराबर, और दूसरा बच्चों x टू दी पावर 3 माइनस में y टू दी पावर 3 का जो एक्सपेंशन होता है वो x माइनस y इनटू में बच्चों आपके पास x स्क्वायर प्लस में xy और प्लस में आपके पास y स्क्वायर के बराबर होता है। ये दो एक्सपेंशन आपको और साथ में याद कर लेने, दो एक्सपेंशन साथ में आपको और भी याद कर लेने, ठीक है बच्चों, नोट करते चलिएगा सभी लोग, सभी लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए तो ये दो एक्सपेंशन आपने याद कर लिए तो आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन में हमारे पास है कि x अपॉन y प्लस में y अपॉन x इक्वल टू है माइनस वन। अगर मैं यहां पर एलसीएम लेता हूं एक्स वाई, तो क्या बनता है यहां पर, देखिएगा बच्चों, एक्स वाई एलसीएम लिया तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में एक्स वाई, माइनस एक्स वाई को पक्षांतर कर लो बच्चों तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई इक्वल टू जीरो बन गया, क्या बन गया, इक्वल टू जीरो बन गया, ठीक है बच्चों। अब ये आपके पास जीरो निकल करके आ गया, जैसे ही जीरो निकल करके आया आपसे पूछ क्या रहा है कि एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला मालूम है, होता है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई की वैल्यू क्या है बेटा, जीरो। तो जीरो के गुणे में कुछ भी होगा क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्या करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी, आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर है, जीरो इसका राइट आंसर है। क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिएगा जल्दी से, सारे बच्चे, सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जीरो इसका राइट आंसर है, जल्दी से नोट करो बच्चों, क्लियर है। चलिए बच्चों, तो सभी ने आंसर कर लिया इस क्वेश्चन का, सबने नोट कर लिया भाई, बहुत ही बढ़िया है। चलो सभी ने आंसर नोट कर लिया, बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, और ये दो आइडेंटिटी जो मैंने अभी आपको लिखवाई है इनको आपको अच्छे तरीके से बच्चों एक बार क्या कर लेना है, नोट कर लेना। ये दो और आइडेंटिटी है जिनको उन्हीं आइडेंटिटीज की लिस्ट में हम शामिल कर लेंगे, ठीक है, इन आइडेंटिटीज को भी उन्हीं आइडेंटिटीज की लिस्ट में बच्चों हम शामिल कर लेंगे, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो सभी ने कर लिया, अब बच्चों एक अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बच्चों मैं लेकर के आने वाला हूं, वो आइडेंटिटी आपकी आइडेंटिटी नंबर, अगर मैं बात करूं 10, जो कि बहुत ही जबरदस्त और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, क्योंकि भाई इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है इसकी हेल्प से, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा ट्रिकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। तो आइडेंटिटी नंबर 10 को देखते हैं, वो क्या है कि भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में थ्री एक्स वाई जेड जो होता है ना, वो बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में
जेड एक्स के बराबर। ये बच्चों है हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 10। जल्दी से सारे बच्चे इस आइडेंटिटी को बढ़िया तरीके से नोट कर लो, क्योंकि ये बात मान के चलो कि इस आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में गारंटीड बेटा देखने को मिलेगा, पक्का। सॉरी बच्चों, पक्का। सॉरी, पक्का इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखो हंसना नहीं है, देखो खांसी वसी आ जाती है, ठीक है ना। चलो अब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया आ जाओ। ठीक है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3x। बस पता है तुम लोग को पाने के लिए मैं अपनी पूरी एनर्जी, जितनी मेरे अंदर ताकत है ना, जितनी एनर्जी है मैं पूरी निकाल करके बाहर रख देता हूँ कि भाई इतनी एनर्जी, क्योंकि मुझे मालूम है ना जितनी एनर्जी से मैं पढ़ाऊंगा ना, वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर होकर के आप तक पहुंचेगी, और जब वो आप तक पहुंचेगी वो एनर्जी आपके अंदर भी कुछ काम करेगी। ठीक है, तो हम सभी को कुछ ऐसा करना है कि भाई एकदम जबरदस्त तरीके से ऐसी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो ना हमारे अंदर से कि वो एनर्जी दूसरों को भी नजर आए। तो आपको भी नजर आना चाहिए कि भाई जितनी एनर्जी मैं आपके लिए लगा रहा हूं ना, उतनी एनर्जी आपको अपनी पढ़ाई के लिए लगाना है, किसी और के लिए नहीं, अपनी पढ़ाई के लिए लगाओगे आपका फ्यूचर बनेगा, आप कुछ बनोगे। समझ रहे हो इस बात को? तो जरूर से सारे बच्चे इस चीज को समझ के चलिएगा। चलिए नोट कर लिया आपने आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है बच्चों? एप्लीकेशन इसका ये है कि भाई अगर आप यहां पर समझिए कि इफ, ध्यान समझिएगा बच्चों, अगर मैं ये बोलूं कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर इसकी वैल्यू अगर सपोज करो जीरो है, सोचिए अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर बच्चों जीरो के बराबर हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा? अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होगा तो इसका मतलब यह है कि भाई एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz। आपको मालूम है x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो है तो ये पूरा प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास RHS में जीरो आएगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में आपका जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। यानी कि डायरेक्टली बच्चों इस चीज को समझिए कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होगा? 3xyz के बराबर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमारा जीरो है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के बराबर आएगा। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है बच्चों जैसे कि 8x क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 27z क्यूब माइनस में 18xyz। अब इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, तो इसको फैक्टराइज का मतलब क्या हुआ कि इसको आप लिख पा रहे हो 2x⁻³ प्लस में y⁻³ प्लस में 3z⁻³ माइनस में 3 इंटू में आपके पास 2x इंटू में y इंटू में आपके पास 3z। बच्चों यही तो हुआ, तो इसका एक्सपेंशन अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा? बराबर आएगा 2x प्लस में y प्लस में आपके पास 3z, और ब्रैकेट में आएगा बच्चों क्या, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब कि 4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 9 टाइम्स z स्क्वायर माइनस में ab, तो क्या बनेगा? माइनस का 2xy माइनस में bc, तो क्या बनेगा? माइनस का 3yz और माइनस का ca, तो 3 × 2 = 6xz, तो माइनस का 6xz। ये हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन आएगा। क्लियर है बच्चों? ये इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है, माइनस में xy माइनस का yz माइनस का xz, ठीक है। तो ये बेसिकली बच्चों हमारे पास इसके फैक्टराइजेशन निकल करके आएंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए, ये इसका फैक्टराइजेशन हमको निकल करके आ गया। क्लियर? नोट कर लो, बेसिकली जब भी क्यूब किस तरह के फॉर्म में हो, थ्री डिफरेंट टर्म हो, तो याद रखना ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। स्क्वायर में अगर थ्री टर्म यूज कर रहे हैं एक्स वाई जेड, तो समझ गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx, ये बनेगा बच्चों। और जब क्यूब के टर्म्स में हो तो इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस में जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए बेसिकली बच्चों हम क्या प्रूफ कर दें
कि भाई LHS इक्वल टू RHS, इतना अगर हम प्रूफ कर दें तो ये वाला पार्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, और ये वाला पार्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है। बेसिकली अगर आप यहां पर देखें तो LHS में हमें इधर पर लाना थोड़ा सा मुश्किल काम लग रहा है, ब्रैकेट उसका स्क्वायर ये सब करना थोड़ा टफ है। लेकिन अगर मैं RHS को देखूं तो RHS वाले पार्ट को लेते हैं, ठीक है, RHS वाले पार्ट को लेते हैं तो RHS वाला पार्ट है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। ब्रैकेट में देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस में 2xy, प्लस में आपके पास वाई स्क्वायर, प्लस में वाई स्क्वायर, माइनस में 2yz, प्लस में जेड स्क्वायर, और प्लस में जेड स्क्वायर, माइनस में 2xz, प्लस में आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आप देखो तो सब कुछ 2 के मल्टीपल में आ गया, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस में जेड, यहां से 2 कॉमन ले लोगे बच्चों अंदर से तो बनेगा एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बनता, तो सब में 2 2 2 का मल्टीपल जा रहा है तो 2 को कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स बन गया, ठीक है बच्चों। यहां से देखो ये 2 से 2 कैंसिल तो हमारे पास बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, देख सकते हो बच्चों। तो ये बेसिकली क्या निकल के आ गया, ये आ गया हमारे पास किसके बराबर, आपके LHS के बराबर, क्योंकि आइडेंटिटी आपको मालूम है ये हमारे किसके बराबर होगा बच्चों, ये LHS को, इसको अगर हम देखें तो ये किसका एक्सपेंशन है, ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से सिंपल हम कर सकते हैं, क्लियर है। ये तो बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन था वेरिफिकेशन के फॉर्म पर, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है बच्चों। हमने RHS को लिया, RHS को देखा, सिंपलीफाई करके इस फॉर्म में आ गया, ये किसका फॉर्म है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz के इक्विवेलेंट आएगा, जो कि LHS है हमारा, ठीक है। चलिए नोट करते चलिए बच्चों, और जल्दी से एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और क्लास को लाइक जरूर से कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना। ये दो लेक्चर है, दोनों लेक्चर अगर बढ़िया से जिसने देख लिए ना, उसके लिए पॉलीनोमियल हवा में उड़ा देगा, धुएं में एकदम पॉलीनोमियल हवा में उड़ते नजर आएगा, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल है, अच्छे से करके लाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्यूब कैलकुलेट नहीं करना, क्यूब का कैलकुलेट करके नहीं करना, आपको फॉर्मूले की यूज की हेल्प से करना है। आपको फाइंड करना है माइनस में 12 क्यूब प्लस में 7 क्यूब प्लस में 5 क्यूब। अगर आप देखिए बच्चों तो इस क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है, आप लोग चाहेंगे इसका आंसर करना, आप लोग चाहेंगे तो चलो करके दिखाओ एक बार, आप लोग आंसर सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर बताइए क्या आंसर आएगा, दिमाग लगाओ। बिल्कुल सिंपल सा, अभी अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला यहां पर यूज में आएगा। देखिए बेटा अगर आप देखो, सपोज करो ये एक्स है, ये आपके पास वाई है, ये आपके पास जेड है, और अगर आप देखो कि x प्लस वाई प्लस में जेड जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, माइनस में 12 प्लस में 7 प्लस में 5, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होती है बच्चों, तो आपको मालूम है कि x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में जेड क्यूब जो होता है वो 3xyz के बराबर होता है। तो मतलब कि बच्चों इसका जो क्यूब का सम आएगा वो किसके बराबर होगा, 3 इंटू में माइनस 12 इंटू में 7 इंटू में 5 के बराबर। तो कितना बनेगा बच्चों, ठीक है यहां से देखिए ये बन गया हमारे पास माइनस में 12, 7 5 जा 35 और 5 3 जा 15 की 5 कैरी आया आपके पास 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 105 मल्टीप्लाई कर लो 12 5 जा 60 और 12 1 जा 12, तो माइनस में 1260 आंसर। हमने कहीं पर कोई क्यूब कैलकुलेट नहीं किया, कहीं पर कोई क्यूब कैलकुलेट नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। ये थी टेक्निक यहां पर अप्लाई करने की कि माइनस में 12 क्यूब प्लस में 7 क्यूब प्लस में 5 क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो डायरेक्टली आप यहां पर क्या अप्लाई करोगे कि भाई अगर x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 के बराबर होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा, 3xyz के इक्वल आता है। तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया, आया समझ में, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नोट करते चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3 ए बी सी, माइनस में 3 ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो बच्चों दिमाग लगाइए इसका आंसर क्या आएगा।
देखो बच्चों, अगर मैं यहां पर देखूं तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 10 है। हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना यहां पर। आपको मालूम है कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc जो होता है वो इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी जिसकी वैल्यू हमें गिवन है इनटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस अगर तुम कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ये बेसिकली तुम्हारे पास होता है, ठीक है बच्चा। अगर तुमने माइनस को कॉमन लिख लिया तो ये प्लस में तुम्हारे पास इसकी वैल्यू तुम्हें मालूम है क्या है बेटा, इसकी वैल्यू तुम्हें मालूम है 5 और इसकी वैल्यू तुम्हें मालूम है कि इसकी वैल्यू तुम्हारे पास 10 है। अब दिक्कत कहीं पर फंस रही है तो वो इसके साथ में फंस रही है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यही नहीं निकल के आ रहा। अब दिमाग लगाते हैं बच्चों। एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के इक्वल होता है। दिमाग लगाओ, 2 से मल्टीप्लाई करते तो अलग अलग 2 ए बी 2 बी सी 2 सी ए बनता है। यहां पर कॉमन ले लिया तो बन गया 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन गया। क्लियर है? चलिए वैल्यूज को देखिए बच्चों। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एज इट इज रखे रहने दिया मैंने। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 10 है तो 10 इंटू 2 मतलब कि 20 बन गया। तो बता दो जल्दी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 20 माइनस करोगे तो आएगा कितना? 25 में से 20 माइनस कर दिया तो आ गया 5। तो बेटा ये तुम्हारे पास 5 निकल के आया कि नहीं आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 5 निकल करके आ गई। अगर ये तुम्हारे पास 5 आ गया तो अब तुम्हें कुछ निकालने में दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही है। तो बताओ बच्चों, ये 5 आ गया इनटू में तुम्हारे पास ये भी 5 है और माइनस में तुम्हारे पास ये 10 है तो क्या बन गया? 5 माइनस 10 कितना बना? माइनस में 5, माइनस 5 इनटू 5 माइनस का 25, तो आंसर कितना आना चाहिए? माइनस का 25। देखो आंसर कहां पर है, माइनस का 25। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? अरे क्लियर है जल्दी से बताओ। क्लियर है तो जल्दी से इसी बात पर लाइक जरूर से कर देना जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया। माइनस में 25 बेटा इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, माइनस में 25 इसका राइट आंसर है। तो दो कॉन्सेप्ट को मर्ज करके इस कॉन्सेप्ट में हमने आंसर निकाला है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप चुटकियों में सॉल्व करके आओगे। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिएगा, सभी बच्चे नोट कर लीजिए तुरंत। बहुत ही जबरदस्त सवाल था ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इफ ए एंड सी आर ऑल नॉन जीरो नंबर। ठीक है, ए एंड सी, यहां पर ए बी भी होना चाहिए था, यहां पर बी मिस हो गया है। यहां पर बी को मैंने खा लिया था जब मैं लिख रहा था ना, तो मैंने बी को खा लिया था। इफ ए बी एंड सी आर ऑल नॉन जीरो एंड ए बच गया इस बार। इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा जीरो है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस में बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस में सी स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बेटा, जैसे तुमको ये नजर आया कि भाई a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो तुमने क्या बोला कि सर जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में सी क्यूब जो होगा वो 3abc के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 3abc के बराबर होगा। हमने कहा बहुत सुंदर, आपको चाहिए इसकी वैल्यू। हमने कहा चलो डिनोमीटर में अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं ए बी सी, तो बी सी है तो यहां पर आएगा तुम्हारा ए क्यूब, ए सी है तुम्हारे पास तो यहां पर आएगा तुम्हारा बी क्यूब, ए बी है तो यहां पर आएगा तुम्हारे पास सी क्यूब। बहुत ही बढ़िया। अब बता दो बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी? 3abc बटे में कितना? abc। तो abc से abc कैंसिल, आंसर क्या आ गया बेटा? 3 आ गया। क्या आ गया आंसर? 3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दोगे तुम। क्या बोल दोगे? ऑप्शन नंबर सी सर इसका राइट आंसर है। क्लियर है? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? पक्का जल्दी से बोल के बताओ, बोलोगे कि नहीं बोलोगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है? है, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका राइट आंसर होता है। तो इस तरीके से बच्चों एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करके आएंगे। क्लियर है बच्चों? थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर, ये वीडियो बढ़िया से पसंद आया है तो जरूर से शेयर करिएगा। चलिए तो बच्चों अब जो अगला होगा, अगला हम एक लाइव सेशन लेने वाले हैं जो इसमें होगा आपका नॉलेज टेस्ट। जी हाँ बच्चों,
नॉलेज टेस्ट में मैं आपको ट्रू फॉल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगा, आपको उसके सॉल्यूशन मुझे बताने होंगे, वो लाइव होगा, लाइव देखेंगे कितने बच्चे कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो बच्चों मिलेंगे अपने नॉलेज टेस्ट में नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।